हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपाली फूड कॉर्नर। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शानदेश मोदक, जो रोज फ्लेवर में बनेगा गाइस, और खाने में बहुत टेस्टी होता है, उसको बनाना भी उतना ईजी है। तो इस गणेश चतुर्थी आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइस, देर न करते हुए चले इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध से छेना बना लिया है, और इसको हमने अपने हाथों से अच्छे से मसल करके सॉफ्ट कर लिया। आप चाहें तो मार्केट से पनीर ले सकते हैं, और आप चाहें तो उसको मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पनीर को बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया। इसके साथ हम यूज़ करेंगे मिल्क पाउडर और शुगर पाउडर। यहाँ पे हम बीच में स्टफिंग करेंगे किशमिश का। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हमने गैस पे रख दिया एक पैन, और इसमें हम मैश किया हुआ पनीर ऐड कर देंगे, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो अब गाइस, इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून करीबन शुगर पाउडर। मीठा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसमें थोड़ा मीठा कम ही रहता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारा शुगर जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 1/2 कप मिल्क पाउडर लिए हैं टोटल, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर ऐड करेंगे ताकि इसमें लम्स ना आए। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे गाइस। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, आप चाहें तो बिना मिल्क पाउडर के भी इस मोदक को बना सकते हैं। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है। इससे थोड़ा सा मोदक में हमारे मावा का टेक्सचर आएगा, जो संदेश फ्लेवर भी मिलेगा हमें, और मावा मोदक का भी टेक्सचर आएगा। तो यहाँ पे हमने सारा मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करते हुए कुक करेंगे, जब तक हमारा बाइंडिंग ना हो जाए अच्छे से। तो आप देख सकते हैं गाइस, बिल्कुल मावा टेक्सचर में हमारा जो मिक्स है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसी स्टेज पर इसमें ऐड कर देंगे फ्लेवर। तो यहाँ पे हम रोज़ फ्लेवर का एसेंस ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम 1 टीस्पून ऐड कर दिए हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, आप इस मोदक को किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें हम थोड़ा सा रेड कलर मिक्स कर रहे हैं, और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कलर जो है अच्छे से मिक्स हो गया, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आया है। तो इस स्टेज पे गाइस, हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे, और इसको हम अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो मिक्स है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो मिक्स है गाइस, बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार हो गया है। अब इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे, और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे गाइस, हमारा मिक्स जो है वो ठंडा हो गया है। तो अब यहाँ पे हम मोदक मोल्ड ले रहे हैं, और इसको हम घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा जो मोदक है वो आसानी से निकल जाए। अब इसमें हम मिक्स को फील करेंगे। तो गाइस, हम आपको यहाँ पे बिना मोल्ड के भी मोदक बनाना बताएंगे कि कैसे हम बिना मोल्ड के भी बना सकते हैं। अब इसके हम अंदर अच्छे से फील करेंगे। तो गाइस, हम यहाँ पे फीलिंग सिर्फ किशमिश का कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बारीक चॉप करके ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, या आप गुलकंद की भी फीलिंग तैयार कर सकते हैं। इसमें हमने 2 किशमिश ऐड कर दिया है, और अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा मिक्स और लगा देंगे, और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। तो देखिए गाइस, हमारा मोदक बनके तैयार हो गया है। वाओ, इसका लुक देखिए गाइस, कितना प्रिटी लग रहा है ये। और गाइस, इसको निकालना भी बहुत आसानी से, बस नीचे से हल्का सा प्रेस करेंगे और ये ईजिली बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा रोज़ फ्लेवर संदेश मोदक बनके तैयार हो गया है, और ये बिल्कुल प्रसाद के लिए रेडी है गाइस। तो इस चतुर्थी आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखा आपने कितना झटपट और इजी बनकर के तैयार हो गया है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में गाइस ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है, और सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमने लड्डू शेप में बॉल बना लिया है, और अब इसको हम फिंगर से ऐसे ऊपर की तरफ प्रेस करते हुए बना लेंगे, आप देख सकते हैं। और अब एक यहाँ पे हम टूथपिक लेंगे, और इससे हम प्रेस करते हुए बारीक बारीक सा डिज़ाइन बना लेंगे। बहुत इजी है गाइस, हाथ से भी बनाना। और ये भी गाइस, देखने में इसका भी लुक बहुत ब्यूटीफुल लगता है, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम सिल्वर बॉल्स लगा लेते हैं ताकि इसका लुक जो है थोड़ा सा टेम्प्टिंग हो जाए। तो गाइज़, यहाँ पे हम सिल्वर बॉल से डेकोरेट कर लिए हैं सारे मोदक को,
और अब इसको हम तोड़ कर आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस कितना स्मूथ और सॉफ्ट हमारा मोदक बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला मोदक है गाइस। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर गाइस आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।